हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप का चिकन लेके आया हूं। ये चिकन होगा पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड। कुछ लोग पिज़्ज़ा इसलिए नहीं खाते कि उनको पिज़्ज़ा बेस पसंद नहीं है या वो खाना नहीं चाहते, लेकिन कितना ही अच्छा होगा जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट पिज़्ज़ा का आएगा, लेकिन साथ में आप खा रहे होंगे चिकन। ये मैंने एक रेड पेस्ट तैयार की है, इसकी वीडियो भी अलग से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। ये मैंने घर पे ही तैयार की है ये वाली रेड पेस्ट। लेकिन उससे पहले ये जो चिकन के पीसेस हैं, लेग एंड थाई के पीसेस मैंने लिए हैं, इन पे स्लिट किया है इनको। और इसकी फर्स्ट मैरिनेशन जो मैंने की है वो की है नमक से, काली मिर्च से और लेमन जूस से। सो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी इस पर डाल चुका हूँ, इसे थोड़ा टाइम हो भी चुका है। अब जो सेकेंड मैरिनेशन है उसके लिए मैं इस पर डाल रहा हूँ ये 2 टेबलस्पून्स ऑफ रेड सॉस पेस्ट जो मैंने तैयार की है। ये हम जैसे पिज़्ज़ा पेस्ट भी यूज़ करते हैं, लगभग वैसी ही है बिल्कुल, लेकिन ये होममेड है। सो इस पे अब जो फ्लेवर आएगा वो इसका आएगा। साथ में मैं ये जो हर्ब्स हैं ये ऐड कर रहा हूँ इस पे। ये मैं डाल रहा हूँ इस पे रेड चिली फ्लेक्स और उसके बाद मैं डालूँगा बेसल लीव्स। बाकी भी जो फ्लेवर्स हैं वो भी डालूँगा जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर जो सीजनिंग यूज़ करते हैं। ये मैं इस पर डाल रहा हूँ बेसल लीव्स। सो ये आ गया, इस पर हर्ब्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और मैं इन्हें ग्रिल करूँगा, जो ग्रिलर है मेरे पास, सैंडविच मेकर कह लीजिए, टोस्टर कह लीजिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, हेवल्स का है वो। ये मैं ऐड कर रहा हूँ इस पर पार्सले लीव्स। ये तकरीबन 4 या 5 तरह की जो हर्ब्स हैं वो मैं इस पर डालूँगा और उसका फ्लेवर जब बनेगा यू श्योरली विल लाइक इट। अगर आप ट्राई करेंगे तो, मैं तो ट्राई करूँगा ही। ये मैंने डाल दिए हैं इस पर मिंट लीव्स, ये भी ड्राई मिंट लीव्स हैं। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आई है मुझे, आई रियली लाइक इट। और ये डाल रहा हूँ इस पर ओरेगानो। सो ये मैंने सभी जो हर्ब्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। ब्लैक पेपर भी आ गया, नमक भी आ गया। सो इन्हें अब मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखूँगा और फिर इन्हें ग्रिल करूँगा। जस्ट लुक एट दिस। ये जो चिकन के पीसेस थे उन पे अच्छे से मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सीजनिंग की है या ये जो पेस्ट डाली है वो मैंने अच्छे से रब कर दी है। इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रखूँगा। इन द मेन टाइम जो मेरा ग्रिलर है, जो मेरा सैंडविच मेकर है, उसे मैं प्री हीट पर लगा रहा हूँ और फिर इसे मैं ग्रिल करूँगा उसी टोस्टर के ऊपर। ये हैवल का हैवल्स टोस्टिनो ग्रिलर है जिसे मैंने प्री हीट कर लिया है। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, जंबो साइज़ आप कह सकते हैं। इसके दोनों सर्फेसेस जो हैं उसे मैं अब ऑयल के साथ ब्रश कर दूंगा ताकि जब मैं चिकन इस पे रखूं तो अच्छे से वो पक जाए और ड्राई ना हो वो। सो ये मैं ब्रश के साथ इसके दोनों सर्फेसेस को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी ऐसे ब्रश कर दूँगा। यस, अब इसके ऊपर जो मैरिनेटेड चिकन है वो पीसेस में रखूँगा। हेयर इट कम्स। ये आ गए। ये ऐसे सभी पीसेस इसके ऊपर आ जाएंगे और ये तैयार होगा पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड बहुत अच्छा चिकन। चिकन के पीसेस भी अच्छे हैं, सभी बढ़िया पीसेस लिए हैं मैंने। तो ये इस पर रख दिए मैंने। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। और जिसकी ये जो ऊपर पेस्ट है वो भी लगा दी है मैंने। सो इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू गेट कुक्ड। इसे पकने देता हूँ थोड़ा, फिर इसको मैं बंद कर दूँगा ताकि ऊपर के सरफेस की हीट भी इसे मिले और जो बेस पे है वो भी, और ये दोनों तरफ से बराबर पक जाए। तो इसे मैंने बंद कर दिया है अब। So let me wait till then, जब तक ये तैयार होता है। 2-3 मिनट इन्हें अब पकते हुए हो गए हैं। सो मैं इन्हें अब एक बार फिर से ऑयल के साथ कोट कर रहा हूँ ये जो चिकन के पीसेस हैं, और फिर इसकी मुझे जो साइड्स हैं वो फ्लिप कर देनी है। सो ये चिकन के सभी पीसेस को मैं ऑयल के साथ ऐसे कोट कर रहा हूँ ब्रश के साथ। सो ये चिकन के पीसेस हो गए कोट, और अब मुझे इनकी जो साइड्स हैं वो फ्लिप करनी है। जस्ट लुक एट दिस। ऐसे ग्रिल मार्क्स देखिए कितने अच्छे आए हैं इस पे। तो ये ग्रिल चिकन जो बनेगा फ्लेवर भी अलग, टेस्ट भी अलग और टेक्निक भी अलग। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये साइड हो गया चेंज, ये इसके सभी साइड्स को मैंने फ्लिप कर दिया है। सो अब एक बार फिर से इधर भी मैं इनको कोट करूँगा ऑयल के साथ। ड्राई रहने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या जल जाए चिकन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीज़ बने तो अच्छे से बने ताकि जब आप ट्राई करें तो आप याद करें कि आपने कुछ बहुत अच्छा बनाया है और खाया है। सो इट इज़ डन नाउ। अब मैं इसे फिर से बंद कर दूंगा, ये जो टोस्टर है इसे ऐसे। अब ये जो चिकन है इसे ग्रिल होते हुए उतना टाइम हो चुका है कि ये पक गया हो। लुक एट दिस, द कलर एंड द ग्रिल मार्क्स, इट इज़ डन नाउ। सो ये तैयार है अब बिल्कुल खाने के लिए। सो आई जस्ट नीड टू सर्व इट। लुक एट दिस। अगर ये कट गया है ऐसे मान लीजिए स्पून से तो इट मीन्स ये चिकन के पीसीज हैं, ये पक चुके हैं। सो लेट मी सर्व इट नाउ। जस्ट लुक एट दिस, नाउ इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। ये मैंने एक सर्विंग प्लेट में डाल के साथ में कुकम्बर सर्व कर रहा हूँ और साथ में है चिली ऑर्गेनो डिप जो है सॉस जो है वो साथ सर्व कर रहा हूँ। सो I hope you will like it. Very easy to do it with a new flavor, pizza flavored chicken, grilled chicken you can say. So it is done now. Thank you very very much for being with me. Let me know how do you like it when you try. Thank you.